पंजाब की शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब के बच्चों की शिक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक मिशन समृद्ध कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हॉल चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम के लिए अलग अलग जिलों से आए शिक्षकों ने छात्रों के सहयोग से बनाए गए उत्पादों को दिखाया और प्रदर्शनी भी लगाई। साथ ही बताया कि इस कार्यक्रम से बच्चों को क्या फायदा हो रहा है। वहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मिशन समर्थ के संबंध में कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि मिशन समर्थ के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 19,000 स्कूलों में से 18,000 स्कूलों में कुछ न कुछ काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले सभी बच्चों को वो अपने बच्चे मानते हैं। बिजनेस ब्लास्टर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल पंजाब है जो 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए बच्चों की उद्यमिता मानसिकता को लागू करता है और ये भविष्य में उनकी सफलता की नींव है। जो रिव्यू मीटिंग्स करते सी मैं देखता सी, मैं क्या जाके देखता जो स्कूल दे विच तां उत्थे चार दीवारी है नहीं, पर जो पुछदे उहदी डिमांड आई नहीं तो इहदा मतलब यह सीगा कि वह विश्वास नहीं सी। चलो लगता सी कि पहला स्कूल ठीक करा ले, उधार लैके पैसे एन आर आईयों तो लैके कि थानू इन्ना पैसा हिस्सा मिलेगा, पर नहीं होया। असी ये इंश्योर किया कि डीओ की ड्यूटी होगी कोई एक भी स्कूल इदां दा मिस नहीं होना चाहिए जिथे चार दीवारी ठीक ना हो, जिथे बाथरूम ना हो, जिथे फर्नीचर थले। उहदा असर यह होया कि एकदम ही जिहड़ी डिमांड है वह इन्नी वध गई कि जिन्ना एसटीमेट सी उस तो भी 100 करोड़ वध दी आ गई। तो अज पूरे पंजाब दे विच एज एजुकेशन मिनिस्टर मैं गारंटी भी लैंदा ते चैलेंज भी दिंदा कि 20,000 सरकारी स्कूलों के 18,000 सरकारी स्कूलों के कोई ना कोई काम चलता पाया। 1200 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल, 1200 किलोमीटर इन लेंथ, तुसी जाके देखो, तुसी सब थोड़े सब दे राही हो रहे हैं। विश्वास आता उन्होंने लोगों को उस स्कूल की, जिस स्कूल की चार दीवारी नहीं है उत्थे किवें मापे भेजणगे बच्चे अपने। 13,000 क्लासरूम्स, 10,000 क्लासरूम्स की ट्रांसफॉर्मेशन। असी कहते हैं कि विद्या बदल रही है कि तुसी डिजिटल एडुकेशन, प्रोजेक्टर्स भेज दिते, प्रोजेक्टर्स लगे हुए ने, इंटरनेट की रेंज नहीं आती, किवें हुंदा सी, क्यों नहीं किसी ने गौर किया। सिर्फ 30 करोड़ रुपए का खर्चा सी, आज 31 मार्च तक पंजाब विल बी द फर्स्ट स्टेट टू हैव ऑल इट्स स्कूल गवर्नमेंट स्कूल कवर्ड विद वाईफाई। 13,000 असी ला चुके हैं, 70% कवर कर लिया बाय 31 मार्च। बॉर्डर दे स्कूल ने जी तो मोबाइल नहीं चलता, एंड अमेजिंगली वो लाए हुए सी प्रोजेक्ट। सो ये चीज़ा जड़िया है अज थोड़े विच गया मैं 900 स्कूलों के आप जाके थोड़ी प्रॉब्लम्स तो सुनिया। ये सब चीज़ा तुसी दसिया ने, तुसी दसिया कि जी सफाई का कोई असी, मैं देखता स्कूलों च इन्नी गंदगी है, तुसी क्या कोई है ही नहीं, साधन ही है नहीं। आज पंजाब का एक भी स्कूल ऐदा का नहीं है जिथे 100 तो वध बच्चे होन ते असी क्लीनिनेस फंड ना देंदे होइए। 100 तो वध बच्चों 3,000 रुपये एंड 50,000 रुपए तक का भी क्लीनिनेस फंड है। स्कूल साफ हो गए ना जी, तुसी इंपावर तो हुए, किसी ने सोचा नहीं सी। हर वेले प्रिंसीपल वड्डे सीनियर सैकेंडरी स्कूल है, 1,000 2,000 5,000 बच्चा भी पढ़ता, छुट्टी टाइम प्रिंसीपल टीचर्स घबराए होंगे सी। आज खुशी होंगी है जो सरकारी स्कूलों के मोहरू में निकलना तो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े ने। वहीं फिरोजपुर स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चों ने एक हर्बल कीटनाशक बनाया है, जिसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी हम बनाते हैं या खाते थे उसमें कच्चा माल होना जरूरी था, उन्हें शुद्ध करना जरूरी था। यहाँ जो भी चीजें देखने को मिलेंगी वो सभी शुद्ध चीजों से बनी हुई है। ये हर्बल कीटनाशक जो कि कृषि की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, आप इसे बागवानी या किसी भी प्रकार की कृषि में स्प्रे कर सकते हैं। जो अज का इवेंट है वो पंजाब सरकार द्वारा महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ 26 सेक्टर विले जो रखा है, ये बच्चों के फाउंडेशन स्किल ने जिहड़ियां लिटरेसी नूं लैके
ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈ 21st century ਸਕਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਫਿਲਖਾਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਸਿਕਸ਼ਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਏ ਗਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ। ਹਰਬਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੇਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਬਲ ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੇ ਛਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮੇਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੀੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੇਮਸ ਕਰੀਏ। इससे पता चलता है कि पंजाब सरकार का बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस तरह से बच्चों के लिए और बच्चों के दिमाग को विकसित करता है। इससे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल में फर्क आया है और वह पहले से बेहतर हो गई है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनके सोचने का तरीका बेहतर हुआ है। इस कार्यक्रम से बच्चों की नई चीज़ों में भागीदारी भी बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।